हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कुछ भी नहीं, कल है तीज, और उसके लिए हम आए हैं यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए दीदी के। तो पूरी की पूरी जो भी तैयारी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और कल हम क्या क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं मेहंदी कैसे लगाऊंगी, कहाँ तक लगाऊंगी, अभी हमने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है। अभी हम बैठेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे करना क्या। कितने कितने के मिले? वो जो ड्रेस है वो 500 रुपए की है, और जो सूट है वो 2000 रुपए का। देखा, यही बोलते ना, 2000 का होगा। कमाई तो तुम इतनी हो, मुझे वो सूट दे ये देखो गाइस, इतने के वाला सूट पसंद आया, ग्रीन वाला सूट देख लो, ये सूट पसंद आया, और जो ड्रेस थी वो चली गई अंदर। खाना वगैरह सब खा लिया है, और ये मेरी जाना ने मुझे दिया है, आज फ्रेंडशिप डे भी है तो ये मेरी जाना ने मुझे दिया है। और अब कल तीज की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, मैंने मेहंदी छुड़ा दी थी क्योंकि मुझे और भी काम करने थे ना, इसकी वजह से। बाकी तीज की लगभग तैयारी मैंने कर ली है, और अब मैं सो रही हूँ। हम जा मतलब मुझे नींद भी आ रही है क्योंकि आज मैं 5 बजे की उठी हुई थी। अब मैं आपसे मिलती हूँ सुबह, और फिर देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम तीज, क्योंकि तो मुझे उत्तम नगर भी जाना है। तो पहले मैं यहाँ पर अपना तीज वगैरह जो भी है वो मैं सेलिब्रेट करूँगी, उसके बाद मैं फटाफट से उत्तम नगर के लिए जाऊँगी। वहाँ पे पूजा भी है, जो मूल में बच्चे पैदा होते हैं उनकी पूजा होती है, और वो पूजा बुआ के थ्रू ही की जाती है, तो मुझे वहाँ पर भी जाना बहुत ज़रूरी है मेरा। मैं वहाँ पर भी जाऊँगी और यहाँ पर भी करूँगी, तो मुझे कल सुबह जल्दी भी उठना है। वो सब चीज़ों को, सब चीज़ कल कैसे मैनेज होगी मुझे खुद को नहीं पता, बट ठीक है, करते हैं। बाकी ये कैसा लगा ये ज़रूर बताना। तो मैं आपसे मिलती हूँ सुबह, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? तो मैं उठ गई थी और नहा धो के मैं बस जस्ट अभी नहाई हूँ और बाल वाल बनाया। तो जो मुझे रेडी करती वो करती जानवी दीदी, लेकिन जानवी दीदी के जो थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गया है दांत में, तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, रात मतलब पूरी रात उनको दर्द था। अभी मेरे पास आंटी का कॉल आया और मुझे बताया, तो वो मुझे रेडी नहीं कर पाएंगी, तो रेडी होना है मुझे खुद, और वो बाद में आएंगी अगर आ पाई तो पूरे ब्लॉग की जिम्मेदारी आज मेरे ऊपर आ चुकी है। तो मैं तो जो चीज़ें शूट हो पाएगी वो मैं बिल्कुल शूट करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि मैं पहन रही हूँ लहंगा, तो इसलिए मैंने पहले ऐसे ही नाइट सूट पहन लिया था कि लहंगा एकदम से नहाने के बाद पहना नहीं जाता ना बाल वगैरह की वजह से। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। दीदी आ गई, दीदी मुझे तैयार करने, थैंक यू दीदी। वैसे मैं पूरी तैयार थी, बस ये चुन्नी मुझसे सेट नहीं हो रही थी।
तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। थैंक्स फॉर दीदी। दीदी स्पेशल आई मेरे लिए और मुझे तैयार किया और पूरा लुक पूरा लुक दिखाई की दीदी। अब मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे निकलना है, मेरे घर के ही है, वहां पर भी मेरी दावत है। आज हो गई तैयार अपने मायके जाने के लिए। और कहो तुम, कहो तुम, दांत दर्द की पेशेंट और स्वेल भी हो गई। चलो ना रहे हैं शाम को, ठीक है, बाय बाय। पहुंच गई थी और जब मैं पहुंची तो आधे से ज़्यादा काम हो चुका था। मैं लेट हो गई थी काफ़ी क्योंकि मैं घर से भी लेट निकली थी तीज वगैरह के चक्कर में, तो ऑलमोस्ट काम जो यहाँ का पूजा वगैरह का था वो समाप्त ही हो चुका था। कर और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारा सामान रखा जा रहा है जाने के लिए, सारा ही हो जाएगा। फिर मैं कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? आपके घर। चेंज कर लिया और ये देखो अभी यहाँ पे मारम पिट्टम चल रहा था। मारम पिट्टम, हाँ मारम पिट्टम, ये देखो। ओ तो अब हम पियेंगे चाय और फिर मैं मिलती हूँ उसके बाद आपसे, देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। हाँ हम कहाँ जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत बहुत तेज हो रही है, तो देखते हैं हमारा रात का क्या प्लान होगा। तो हम जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। लड्डू कहाँ जा रहे हैं? घूमे घूमे। आने के बाद हमने कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए और अब मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा था तो लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और ढेर सारे कमेंट करना। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।